खाद बीज एक्सपायरी डेट के बाद भी किसानों को बेच दिए जाते हैं, इससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। भिकन गांव में बुधवार को खाद बीज दुकानों पर रखे उत्पादों की जांच की गई। कई लोग अपनी दुकानों और गोदामों में इस तरह के खराब उत्पाद रखते भी है, यह नियम विरुद्ध है। खाद बीज एक्सपायरी डेट के बाद भी किसानों को बेच दिए जाते हैं, इससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। भिकन गांव में बुधवार को खाद बीज दुकानों पर रखे उत्पादों की जांच की गई। कई लोग अपनी दुकानों और गोदामों में इस तरह के खराब उत्पाद रखते भी हैं, यह नियम विरुद्ध है। खरगोन में कार्रवाई के बाद भिकन गांव में खराब खाद बीज की जांच कार्रवाई कलेक्टर के निर्देशों पर की गई। कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बंद दुकानों के भी चालान बनाए गए। अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो अमानक बीज और अमानक खाद और अमानक कीटनाशक की जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उनके निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई और आगे भी जो किसानों की जो शिकायतें रहती हैं इस संदर्भ में हम लगातार निरंतर उसकी शिकायतों की जांच करते रहेंगे और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। एक्चुअली टीम बनाई गई थी, तो जैसे जैसे जो जो अलग अलग दल थे, अलग अलग दलों ने अलग अलग दुकानों पर ये जांच की। टीम मतलब लगभग SADO साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार मैडम, बाकी और भी आई हुए थे, तो उनके द्वारा अलग अलग टीम के द्वारा अलग अलग जांच की।